हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मीमन और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ यू नो जीई का पढ़ने वाले हैं जनरल इलेक्टिव, जो कि है आपका दैरी थ्रू द एजेस। इसके हम 3 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं पहले और ये लास्ट यूनिट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 18th सेंचुरी दैरी, जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। 18th सेंचुरी आ चुका है धीरे धीरे। शाहजहां के बाद की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। हमने अभी शाहजहां बाद में डिस्कस किया, लाल किला डिस्कस किया, चांदनी चौक और हर तरीके के गार्डन डिस्कस कर लिए थे लास्ट वाले वीडियो में। अब ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18th सेंचुरी दिल्ली को। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, हम इस वीडियो में समझेंगे कि आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ दिल्ली के अंदर, मुगल्स के अंदर, पेंटिंग, म्यूजिक और इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि दिल्ली जो है एक कमर्शियल सेंटर रहता है 17th और 18th सेंचुरी में। बाजार ऑफ दिल्ली के बारे में बात करेंगे, फैस बाजार, चांदनी चौक, क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, कव्वाली और सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ा कि दिल्ली जो है एक टाइम पे थमती गई थी, जब हमने देखा था कि जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो गया था सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा में। और फिर बाद में जब वापस जो है शाहजहां ने कैपिटल जो है शिफ्ट किया टू दी यू नो शाहजहानाबाद, तो जब जाके जो है दिल्ली में फिर जो है यू नो शान और शौकत आ जाती है। 17th सेंचुरी की बात हो रही है और 1628 से 1658 के बीच में जो है शाहजहां ने इसमें रूल किया था। इसके बाद हम समझेंगे कि जो कैपिटल शिफ्ट हुआ, इससे कहीं ना कहीं मुगल कोर्ट और ट्रेडिशन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पे फिर से छा गया और दिल्ली में इतने सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए गए। उसके बाद हम समझेंगे कि इसके अलावा जो है दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे जो कि मोहम्मद शाह के टाइम पे भी चल रहे थे, जो कि 18th सेंचुरी में आते हैं। अब हम समझेंगे कि आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ मुगल्स के अंदर। आपको मैंने पहले बताया था कि जो किला मुबारक था, लाल किला था, वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था शाहजहानाबाद में, मस्जिद के बिल्कुल पास है। उसके बाद हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो मोहम्मद शाह का जो टाइम था उसमें किला मुबारक है, जिसको आज के टाइम पे आप लाल किला बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था। वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। शाहजहानाबाद को पॉपुलरली दिल्ली नाम से जाना जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी बड़ी सिटी अभी तक के नहीं थी। और हमको देखने को मिलता है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये जो ऐसा टाइम था जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर कल्चर था और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई थी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आर्ट्स और म्यूज़िक और ये और वो ऐसी चीज़ें ऐड हो गई थी जो अभी तक के सुल्तान के टाइम पर नहीं थी। और ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड हो गई थी जो कि कॉमन कल्चर से जो है कहीं ना कहीं जुड़ गए थे इस टाइम पर लोग। इनका मॉरल भी डिक्लाइन हो जाता है, हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अब आपको पता तो है कि जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, जिसने बहुत सारा जो है सामान लेकर चले गए मुगल रूलर के पास से, 1739 में जो अटैक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बावजूद लेकिन फिर भी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो चल ही रही थी, उसको कोई भी जो है रोक नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप हुई मोहम्मद शाह के टाइम पर थी, वो थी पेंटिंग। तो पेंटिंग जो है वो दिल्ली कलाम नाम से जानी जाती थी और इस तरीके की पेंटिंग बहुत पॉपुलर हुई मोहम्मद शाह के टाइम पर। और हमको देखने को मिलता है कि अब जो है मतलब देखिए औरंगज़ेब के टाइम पे इतनी पेंटिंग नहीं चलती थी। सेकंड मतलब अब हमको देखने को मिलता है कि पेंटिंग देखिए अकबर के टाइम पे बहुत चलती थी। उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है कि फाइनली मोहम्मद शाह के टाइम पे पेंटिंग को फिर से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इस टाइम पर जो है पेंटिंग्स हो रही है वो ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स, कोर्ट के जो सीन्स है, दरबारी है, दरबार में लोग बैठे हुए हैं, ये सब की पेंटिंग्स हो रही है। और चूरामान जो है वो इस टाइम के फेमस पेंटर है। उसके अलावा इस टाइम पे लोग जो है क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी जो पेंटिंग्स हो चुकी है उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, एल्बम्स बना रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, ये भी जो है काम शुरू हो रहा है। फिर धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि 18th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे मुगल पेंटर्स जो है वो मुर्शिदाबाद, फैज़ाबाद भी चले गए। और फिर आपको पता ही है 18th सेंचुरी एंड आने आने तक के ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अपना कब्जा जमा चुके थे इंडिया पे और दिल्ली पे। और वो चीज़ हमको देखने को मिलती है कि जो मुगल आर्टिशंस है वो सब डिक्लाइन हो जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो जाते हैं, क्राफ्टमैन डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तरीके का डिक्लाइन जो है मुगल का चल रहा था इस टाइम पे। अब हम देखेंगे कि म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल प्ले होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे तरीके के लोग जो है एलिट सर्कल के अलावा बाहर से भी बहुत सारे लोग आते थे और वहाँ पर जो है लोग गाना गाते, ठीक है। और सूफ़ी की असेंबलीज होती, महफिल समा, ठीक है। और जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत सारे सेंट्स थे वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है नाच गाने जो है बहुत ईजीली आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब खुशियों में नहीं, बल्कि कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, मोहर्रम जैसे दुख वाले महीने में भी जो है वो गाना बजाते और मरसिया ख्वानी जो है करते। उसके अलावा मतलब एक नया तरीके का उन्होंने म्यूजिक बना लिया था। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो कर रहे थे, ये सूफी से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड है, इस्लाम से नहीं रिलेटेड है। ये आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं और लोग का जो है क्या कहते हैं जो मॉरल है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। आपको देखने को मिलेगा इसमें कविता, जंगला, तराना, कव्वाली बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था महफिल के लिए। और इसमें जो है बहुत सारे तरीके के कव्वाल जो है आने लग गए थे। मरसिया ख्वानी एक तरीके का म्यूजिकल और लिटरेरी फॉर्म जो है वो बन चुका था, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है फॉर्म बन चुका था। उसके अलावा हमको देखने को मिलता है इस टाइम पे विमेन ने भी जो है डांस करना शुरू कर दिया था, इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। पहले क्या होता था, सपोर्ट आर्टिस्ट की तरह डांस करा करते थे, अब विमेन जो है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली डांस करने लग गई थी, उनके टैलेंट्स जो है सामने आ रहे थे। उसके बाद हमको देखने को मिलता है बहुत सारे कोटिशंस जो है वो भी जो है सही कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे। उसके बाद हमको देखने को, ये तो हमने बात कर ली पोएट्री, म्यूजिक और डांस के बारे में, अब हम बात करते हैं लिटरेरी कल्चर के बारे में। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि मोहम्मद शाह के टाइम पे उर्दू बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, ठीक है। और उर्दू के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे नाम है जैसे कि सिराजुद्दीन अली खान अर्जू, ठीक है, वो बहुत सारे मतलब उर्दू पोएट्स उस टाइम पे जो है डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्रेट पोएट थे, मतलब पर्शियन स्कॉलर थे, और इन्होंने कभी भी मतलब कोई भी तरीके का उर्दू में दीवान जो है कंपोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अपने शिष्य को, प्यूपिल्स को, जैसे कि अबरू, मजमून, याकरांग, तेग चंद बहार, इनको बोला कि आप पर्शियन से बदल के उर्दू में जो है आप बोलना शुरुआत करो, ठीक है। और आपको देखने को मिलता है इसलिए उर्दू की जो है क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई कि जो ब्रज भाषा पर्शियन जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो है डिक्लाइन हो जाती है। अब हमको देखने को मिलता है कि पर्शियन सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना कोर्ट लैंग्वेज तक के लिमिटेड रह गई थी, कुछ जो सोफिस्टिकेटेड काम करने हैं बस उस तक के, और जो बायोग्राफिकल अकाउंट्स लिखने हैं उस तक के जो है क्या कहते हैं पर्शियन लिमिटेड हो गई थी। और उर्दू इतनी बढ़ गई थी 18-19 सेंचुरी में, मुशायरा आपको देखने को मिलता है जब सब लोग आ रहे हैं उर्दू पोएट्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कावा खानास, उसके बाद हमको देखने के मिलते हैं मेले, तो ये सब चीज़ें जो है हो रही थी। और बहुत सारे पोएट्स उस टाइम पे ग्रो हो रहे थे जैसे कि मीर ताकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है। और ये जो है मतलब बहुत इतने फेमस उस टाइम के पोएट्स हो रहे थे और उर्दू गज़ल जो है लोगों ने शुरू कर दी थी। तो ये टाइम जो था मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लिटरेरी और ये सब म्यूज़िक और डांस सब चीज़ का जो है डेवलपमेंट का टाइम है। उसके अलावा गज़ल, उर्दू गज़ल, और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कसीदा, मसनवी, ये सब जो है पॉपुलर फॉर्म बन गए थे 19th सेंचुरी में। और आपको पता ही है गालिब, दाग, मोमिन, ऐसे अलग अलग तरीके के जो है स्कॉलर्स पोएट्स जो है निकल कर आते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके के कंपोज करते हैं उर्दू में पोएट्री वगैरह। तो देखेंगे हम कि दिल्ली जो है सिर्फ और सिर्फ एक लिटरेरी, ऐसा नहीं कि कल्चरल हब है, ऐसे डांस गाना लिटरेरी वगैरह नहीं हो रही है, यहाँ पर कमर्शियल सेंटर भी है, एक हाईली चार्ज इकोनॉमी है, इसमें हर चीज़ हो रही है, ट्रेड हो रही है, लॉन्ग टर्म ट्रेड हो रही है, दूर दूर तक जा रहा है और सामान, मार्केट है, मैकेनिज्म है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो है मुगल कैपिटल शाहजहानाबाद जो है, जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली ये पूरा यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट देखने को हमको मिल रहा है। और ये सिटी का ग्रोथ बहुत सारे कारणों के वजह से हुआ। एक तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है शाहजहां ने यहाँ पर मूव कर लिया था आगरा से, इसका मतलब ये था कि अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यहाँ पर है तो लोग वहाँ बैठ के क्या करेंगे, तो आर्टिस्ट आर्टिशियंस भी जो है आगरा से जो है यहाँ पर आने लग गए और यहाँ पर आके उन लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई, ऑफकोर्स ही बात है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग औरंगजेब ने भी यहीं पर अपना कोर्ट बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड था ये बहुत ज़्यादा शांति का टाइम पीरियड था, मतलब बहुत ज़्यादा पीस का टाइम पीरियड था और एक ऐसा पीस और प्रोस्पेरिटी का टाइम पीरियड था जब कोई भी तरीके के अटैक्स नहीं हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, एक बोलते ना शांति बनी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा हमने ऑलरेडी जोग्राफिकल रीजन डिस्कस कर लिए कि शाहजहानाबाद जो है वो डेवलप था एक एल्यूवियल सॉइल की जगह पे, ठीक है, और इसलिए जो है एग्रीकल्चर भी यहाँ पर हम इजीली कर सकते थे और एग्रीकल्चर से जो है ग्रेनरीज भर के रखी जाती थी सामान। और जो बंजारा जो है वो क्या कहते हैं अपना बंजारा, सबको पता ही है आज के टाइम पे भी हम बंजारा वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको भी ज़रूरत है वो अपने सर पे उठा के जो है सामान लेके जाके लोगों को दिया करते थे।
उस टाइम उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि एक और इम्पोर्टेंट रीज़न इस टाइम पे हाईवे से सब चीज़ें कनेक्टेड थी, रोड से कनेक्टेड थी। अब आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर हर जगह पे आप जा सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया कि लाहौरी गेट जाना है तो लाहौर की तरफ जाना है, लाहौरी गेट से जाइए। दिल्ली गेट है, उसके दिल्ली गेट जो जिसको हम कहते हैं अकबर आबादी गेट नाम था। अलग अलग कश्मीरी गेट है, कश्मीर की तरफ जाना है। मतलब रोड से जो है इतने अच्छे से कनेक्टेड है, हाईवेज बने हुए हैं और उनके डेस्टिनेशन के नाम से जो है कनेक्टेड है। आप सोच सकते हैं इतना प्रॉपर डेवलपमेंट, अर्बन सेंटर इतने अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, हर जगह पे जो है आपको रोड से कनेक्टेड दिखेंगे कैपिटल। उसके अलावा यमुना भी जो है आप देख सकते हो, यमुना भी जो है आप जा सकते हो, दिल्ली के बिल्कुल पास है और इससे कहीं ना कहीं रिवराइन ट्रेड भी हो रही है। मतलब ऑफकोर्स ही बात है कि क्या कहते हैं इनलैंड शिपिंग जो होती है, इनलैंड शिपिंग में रिवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वहाँ पर आप छोटी छोटी शिप्स को यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और हमीदा खातून बताती है कि जिस तरीके से जहाँ जहाँ ना बाद में जो है जितना सामान था, जितना ज़्यादा लोग थे, जितने सारे जो सब लोग थे, उनको किस तरीके से वो डिस्क्राइब करती है। तो बताती है कि जिस तरीके से इतना ज़्यादा जो है लीगेसी, क्योंकि देखिए लीगेसी कितने सारे सुल्तान अपने अपने लीगेसी छोड़ के गए थे, तो उससे बहुत सारे लोग, जैसे आज के टाइम पे भी आप देखोगे दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, स्टडीज़ के लिए आते हैं। हर साल इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, आपको पता ही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है वो ग्रो होते जाती है, डजन यू नो स्टॉप्स। बट ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का कॉन्सेप्ट भी आज का टाइम का नहीं है, उस टाइम पर भी आप देखोगे कि इतने सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से वो लोग बताती है कि आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों आ रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए आ रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, कुछ आर्टिशंस हैं, ठीक है, और इतने सारे लोग आ रहे हैं। और उसमें से हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि हर एक इंसान का एटलीस्ट एक बंदा जो वहाँ पर है ना काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर काम कर रहा है बनिया ही नहीं बल्कि वो बताती है कि इंडिया ही नहीं बल्कि कश्मीरी, सेंट्रल एशियन, अर्मेनियन, पर्शियन लोग भी यहाँ पर आने को देखते हैं और अपना सामान लगाते हैं। जैसे कि एग्जीबिशन नहीं होती नुमाइश, तो वैसी ही वो लोग भी अपना अपना सामान बेचते हैं। अरब की सराई जो है हुमायूं टॉम के अंदर जो है उस टाइम पर बहुत सारे विजिटर्स आते थे। उसके अलावा मनी चेंजर, राइटर, ट्रांसपोर्टर, सब स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सब आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मतलब ये एक ऐसा टाइम है जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, प्लस आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। अब देखिए बाजार की बात करें तो दिल्ली में बहुत बहुत बाजार थे, कुछ जनरल मार्केट थे और कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी के थे और कुछ होलसेल मार्केट थे। तो एक मार्केट थे जिसका नाम था नाखास। नाखास नाखास मतलब देखिए दो वर्ड से बना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ना मतलब दो और खास, खास मीन स्पेशल। तो इट वॉज अ स्पेशल मार्केट, ये डेली मार्केट है जहाँ पर सब लोग आएंगे आपस में और बेचेंगे सामान, और नाखास मार्केट बहुत सारे रहते थे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे भी बाजार थे जो स्पेशली, जैसे कि ड्राई फ्रूट का बाजार है, ठीक है, कोई ज्वेलरी का बाजार है, दो और भी बाजार थे जो कि यूनिक चीज़ों को बेचते थे, ठीक है। और बहुत सारी रिटेल शॉप्स भी थी, कई कई पर जो है होलसेल शॉप भी थी, तो अलग अलग मार्केट भी डिवाइडेड थे, होलसेल का मार्केट अलग, रिटेल का मार्केट अलग, लग्जरीज का मार्केट अलग। जितने भी मार्केट थे आपको मैंने पहले ही बताया था इम्पीरियल शाहजहां के द्वारा जो है शाहजहानाबाद के अंदर इस तरीके से बसाए गए थे। मतलब अनप्लान्ड मार्केट नहीं थे कि कहीं पर भी कोई भी मार्केट शुरू कर दे रहे हैं, प्रॉपर जगह थी मार्केट की और ये धीरे धीरे जो है बढ़ते चले गए, ठीक है, और ये इतने बढ़ गए। उसके बाद आपको देखने को बताया दरगाह कुली खान का ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग लिखते हैं वो अपना, मुरक्का है दिल्ली, वो बताते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ बाजार पेवमेंट पे चल रहे हैं, ठीक है, थीके? और बहुत सारा मतलब वेंडर्स को ऐसा लगता है, वेंडर्स बहुत सारा कभी कभी क्या कोशिश करते हैं कि पेवमेंट, आपको पता है क्या होता है, तो सड़क किनारे भी वो लोग जो कहीं से सामान बेचने की कोशिश करते हैं, कुछ सामान शॉप में बिकता है, ठीक है, और कुछ सामान जो है रेसिडेंशियल एरिया में बिकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के मार्केट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कतरा एक तरीके का मार्केट सेंटर था जो होलसेल मार्केट था, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी लाल किला के साइड पे, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो है लोग जो है आते थे, जैसे कि आर्टिशन क्लासेस, कुछ लोग सिटीज़ में से आ रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। और जामा मस्जिद के चारों साइड चार बाजार थे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली हर जगह पे अलग अलग बाजार थे, तो जामा मस्जिद के देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है वेस्ट साइड पे कौन सा बाजार था। वेस्ट साइड पे जो है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्योर्स और ड्रग्स और मार्केट, ओपीएम का जो है बाजार लगता था। क्लोथ मार्केट्स जो है वो भी यहाँ पर लगते थे, कोठीज जो है क्या कहते हैं लोग यहाँ पर जो है क्लोथ्स को जो है बेचा करते थे। यहाँ पर आपको जो है फेमस बाजार मिल जाएगा चौरा का, कॉपर और ब्रास यूटेंसिल भी बिकते थे यहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट भी बिकते थे बहुत सारे तरीके के। और आपको देखने को मिलता है फिर चौरा बाजार फिर धीरे धीरे काजी का हौज तक पहुँचता है और इससे जो है बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है।
सदर्न के बारे में बात करें तो सदर्न टाइप में, सदर्न जामा मस्जिद के सदर्न एरिया में चितली कबर, चितली कबर आपको मिलेगी, जहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल वेयर, शू मेकर, हैंडीक्राफ्ट वाले लोगों की आपको जो है ना दुकानें मिल जाएगी। आज भी आप जाके देखोगे आपको अलग अलग मार्केट दिखेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि छत्ता है मोमगरण, ठीक है, और मतलब कसापुरा, कसापुरा मतलब जहाँ पर जो है बुचर्स रहते हैं वो भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे दिल्ली दरवाजे के पास। उसके बाद नॉर्दर्न गेट के बारे में बात करें जामा मस्जिद की, तो वहाँ पर ज्वेलरी की शॉप थी, ऑर्नामेंट की शॉप थी, इसके अंदर बहुत सारे तरीके की ज्वेलरी रहती थी, प्रीशियस स्टोन का जो कार्विंग करने का काम, मतलब आज थोड़ा सा मतलब मॉडर्न एरिया आ चुका है, अब जो चीज़ें है ना आप रिलेट कर पाओगे ये सारी चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। और वेरियस कलर के स्टोन को इनग्रेव करने का काम, खुरदाकारी करने का काम, ठीक है, खट्टम कारी करने का काम, मतलब अलग अलग तरीके से जो वुड होते हैं उसको इनग्रेव करने का काम, और अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे जो मिरर्स है उस पर काम आपको देखने को मिल जाएगा कारीगरी का। वहाँ पर आपको बाजार दरीबा कलन दिखेगा, दरीबा कलन दिखेगा, उसके अंदर बहुत सारे तरीके के क्राफ्ट दिख जाएंगे, जैसे कि सील इंग्रेविंग दिख जाएगी, ठीक है, दोनों साइड से आपको दिख जाएगी। जामा मस्जिद का ईस्टर्न साइड की बात करें तो खास बाजार, खास बाजार मतलब उसमें हैंडीक्राफ्ट और दूसरे गुड्स, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन दिखेगा चौक साउदुल्ला खान, ठीक है। तो दरगाह अली खान बताते हैं कि बहुत सारे गुड्स यहाँ इतने सारे थे कि एक इंसान जो है क्या कहते हैं अपने आप को खो देगा, इतने सारे गुड्स थे, ठीक है, और इतने सारे गुड्स थे, इतनी नॉवेल्टीज थी, इतने वेपन्स थे, इतने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्लोथ मर्चेंट्स जो थे अपने आप कितना सारा जो है चीज़ें दिखाते थे, मतलब इतनी चीज़ें थी कि हर चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल थी, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं दरगाह अली खान अपने ट्रेवलॉग में। मतलब कौन सी बात है, उस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे। अब दो मेन मार्केट की बात करें जो शाहजहानाबाद में थी, वो थी एक फैज बाजार और एक चांदनी चौक, ठीक है। तो जो एक फैज बाजार की बात करते हैं तो फैज बाजार जो है अकबराबादी गेट, जो मैंने आपको बताया आज अगर आप दरियागंज बुक मार्केट में जाते हो वहां से बुक खरीदने के लिए, तो अकबराबादी गेट जिसको हम दिल्ली गेट भी कहते हैं वो जो है उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पर उसका नाम अकबराबादी गेट था, तो वो जो है उससे कनेक्टेड रहेगा फैज बाजार, ठीक है। और बीच में नहरे फैज बह रही है, नहरे फैज मतलब नहर बह रही है, मतलब यहाँ पर आपको पानी का वो दिख जाएगा, आज के टाइम पे सब डिस्ट्रक्ट हो चुका है, अब बाकी के बाजार आपको दिख जाएंगे। दूसरा बाजार जो है वो लाहौरी दरवाजे पे दिख जाएगा आपको, और लाहौरी दरवाजा जो कि लाल किला के पास आपको दिख जाएगा। नहरे फैज जो है बीच में से बह रही है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है फतेहपुर मस्जिद भी आ रही है बीच में, ठीक है, और यहाँ पर जो है दोनों भी जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, मतलब नहर बीच में से बह रही है, देखिए इमेजिन करिए, सोचिए कितना अच्छा है, नहर बीच में से बह रही है, आसपास जो है रोड्स है, रोड पे जो है शॉप्स है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जो है सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मार्केट्स में कम से कम 1500 से ज़्यादा दुकानें होगी, आसपास पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो इनकी मालकिन कौन रहती थी, प्रिंसेस जहां नारा या फिर नवाब फतेहपुरी बेगम जो कि शाहजहां की वाइफ थी, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लाल किला जो है, लाल किला आपको देखने को मिलता है, लाल किला से अगर आप निकलते हो तो आपको वहां पर उर्दू बाजार, अशरफी बाजार, चांदनी चौक, फतेहपुर बाजार, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दरगाह कुली खान वही अपने क्या कहते हैं आर्टिकल में बताते हैं कि इतना चांदनी चौक की बहुत तारीफ करते हैं, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा भले ही डिप्लीट हो गया लेकिन उस टाइम पे वो बताते हैं किस तरीके से, ज़रा आप समझना, वो बताते हैं चांदनी चौक मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड पैसेज इन द सिटी, मतलब आप सोच सकते हैं उस टाइम पे चांदनी चौक जो उसका नाम रखा गया, चांद मतलब इसका कंपेरिजन जो है किया जा रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर की जो है रात में भी जब जाया जाता है तो सब जो है चांदनी, मतलब ये है कि रात के टाइम पे जो है उसकी वहाँ पर जो महफिल लगती है वहाँ पर जो है इस तरीके का जो है माहौल होता है जो सब लोग को अट्रैक्ट करता है। तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि रूबी जेम्स आपको देखने को मिलेंगे शॉप्स में, पर्ल्स मिलेंगे, प्रीशियस स्टोन मिलेंगे, क्लोथ मार्केट्स मिलेंगे, और सब लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर, जैसे आज भी आप जाते हो तो वो बता रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के बुलाते ना, ये इतने का मिल रहा है 200 रुपये का ले लो, 200 रुपये का ले लो, वैसे ही समथिंग। और जो इतर मिल रहे हैं हर जगह पे, अलग अलग तरीके के एजेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हर तरीके की चाइना की क्रॉकरी वहाँ पर आपको मिल रही है, आज भी मिलती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है वहाँ पर, बॉल मिल रहे हैं, जग मिल रहे हैं, वाइन के कप्स मिल रहे हैं, उसके अलावा रेयर और यू नो यूनिक गुड्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको मिल रहा है। चांदनी चौक के पास कुचा नटवन नाम की जगह थी, ये जो जगह थी ये बेसिकली नतावास के लिए था, नतावास मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नतावास मतलब एक तरीके की ट्रेनर्स थे जो कि डांसिंग गर्ल्स मतलब गर्ल्स को सिखाते थे रॉयल कोर्ट के लिए नाचने के लिए,
तो बेसिकली 19th सेंचुरी के अंदर जो है इसको, इस एरिया को बताया गया है हिंदू और मुस्लिम आर्टिशंस जैसे कि फैशनर, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, ये जगह है, ये जगह जो है वो लोगों ने जो है घेर ली थी। पहले पहले जाकर यहाँ पर जो है डांस की ट्रेनिंग होती थी, बाद में जाकर यहाँ पर दूसरी चीज़ें होने लग गई। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि फ्रूट मार्केट यहाँ बहुत अच्छा लगता था। ड्राई फ्रूट आता था पर्शिया से, बलख से, बुखारा से, समरकंद से, ग्रेप्स आते थे, ब्लैक और वाइट, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बर्नियर हमें बताते हैं कि फ्रूट्स इतने अच्छे थे और मतलब हर चीज़ यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। मीट जो है, मीट भी बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हर तरीके का हसल बसल आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपको जो है मैंने बता दी कि आपको क्या क्या यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं, शाहजहानाबाद बहुत ज़्यादा नाम चलता है उसका, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल के लिए नाम चलता है। और उसके जैसे कि एक फॉरेन ट्रेवलर आते हैं उस टाइम पे मैंड्रिक, वो बताते हैं कि शाहजहानाबाद का जो क्राफ्टमैन है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि किल्स, क्विल्स, जैसे कि रजाइयाँ होती है आपकी, उसके अलावा टाई डाइड स्टफ, मतलब बहुत सारे तरीके के जो आप घर में कपड़े वगैरह यूज़ करते हो वो सब चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। और चिंट्स से, चिंट्स चीज़ों के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये इसका जो, ये जो है ये इंफीरियर क्वालिटी का है एज कम्पेयर टू दी मासूली पट्टनम। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट भी होती है, अर्मेनियन और पर्शियन ट्रेडर्स भी यहाँ पर आके खरीदते हैं सामान। कारपेट वीविंग, कारपेट जो बनाने का जो है टेक्निक वो भी चली आ रही है, कारपेट वीवर्स भी जो है बहुत ज़्यादा अमीर है और कारपेट बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। ऑफकोर्स सी बात है फ्लोर कवर करने के लिए, कई कई बार टेंट की जगह भी यूज़ होता है कारपेट, ठीक है। और उसके अलावा हमको देखने को मिलता है रिच सिल्क के कारपेट, वुलन कारपेट, कॉटन कारपेट, हर तरीके के कारपेट जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके अलावा बुक बाइंडिंग भी होती होगी। उसके बाद वहाँ पर जो है कॉपर यूटेंसिल्स का यूज़ है, वेपन्स का यूज़ है, पेपर का, लेदर गुड का, शुगर का, इंडिगो का, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है। ऐसा लग रहा है ना सुन के कि आपको भी वहाँ जाना चाहिए। तो मतलब क्या कहते हैं, ये जितनी चीज़ें वहाँ पर उस टाइम पर हो रही थी ये इतनी आज जो है नहीं हो रही है, बिकॉज अब जो है पूरा डिक्लाइन हो चुका है। अब आप जाके भी वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ आपको पता है इंडिया में जब क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स आए, हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ, तो कितनी सारी चीज़ें जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट में ख़त्म होते चल जा रही है, ठीक है। खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि इसमें इतनी जो एक्टिविटीज़ हो रही है इससे कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। स्टोन कटर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अनस्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कितने लोगों को, मतलब अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कितने अनस्किल्ड लेबर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो रेड और येलो स्टोन का काम किया गया है उसमें स्टोन कटर्स का काम है, मैसन्स का काम है, और इतना काम है। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तक कि नादिर शाह जो इंडिया में दिल्ली में अटैक करते हैं, वो अपने साथ 300 मैसन, 100 स्टोन कटर और 200 कारपेंटर को साथ में लेके चल जाते हैं ईरान। सोचिए, तो मतलब वो उनको इतना अच्छा लगता है यहाँ की सब चीज़ें, एक तो सामान लेके चल जाते हैं, ऊपर से साथ में इन सब को भी लेके चल जाते हैं। अब आप खुद सोचिए जो शाही दरबार है उसमें कितनी सारी चीज़ें लगती होगी, जैसे कि अब वहाँ पर दस्तरखान, उसके बाद आप देखोगे नीचे बिछाने के लिए चटाइयाँ बिल्कुल सिल्क की, तो रूलर्स को बहुत सारे तरीके के लग्जरी आर्टिकल्स चाहिए, सोफ़ा कवर, रज़ाइया बेहतरीन, तो वो सब चली जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी वो लोग जो है रूलर्स भी जो है फंडिंग करवा के ऑफ कोर्स प्रोड्यूस करवाते थे। जैसे कि हम एक मॉडर्न स्कॉलर बताते हैं कि मुगल इंडिया में स्टेट जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि ओनली मैन्युफैक्चरर था जो कि लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करता था, मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवाना है तो वो स्टेट का ही काम रहता था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि रॉयल वर्कशॉप्स यानी कारखाना आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हर तरीके के आइटम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेंटर भी यहाँ पर फैले हुए हैं, और साथ साथ क्राफ्ट, जैसे कि इसको हम कहते हैं क्राफ्ट मोहल्ला बोलते हैं कुछ हिस्टोरियंस उसको, मतलब कई कई पर जैसे कि ये सब चीज़ें जो बिक रही है उसका प्रोडक्शन भी तो करना है, तो वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। एक छत्ता लगा दिया जा रहा है, छत्ता मतलब छत को बोला जा रहा है, कवर कर दिया जा रहा है, और छत्ता लाला पंसुक राई और छत्ता जन निसार खान, ऐसे अलग अलग यूनिट्स के नाम हैं, और यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन किया जा रहा है और लेबर को हायर किया जा रहा है, और साथ साथ डिफरेंट तरीके की क्राफ्ट कम्युनिटीज जो है जैसे कि छमर का हत्ता और मतलब अलग अलग तरीके के जो क्राफ्टमैन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है कि कुछ कूचा नाई वाला, मतलब बार्बर का लेन, कूचा चरखे वाला, अलग अलग जो है पूरा लेन भी कभी कभी पूरे एक तरीके के ना पर्टिकुलर प्रोफेशन, मतलब वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ आपको नाई मिलेंगे, यहाँ जाओगे चरखे वाले मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है।
अब ये 18th सेंचुरी मिडल आने तक के जो आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली की धीरे धीरे जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एक तो नादिर शाह आके बहुत कुछ लूट लेता है, उसके बाद जो है मराठा अटैक करते रहते हैं, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी बार 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 आते जाता है। ठीक है, ऐसा करके सब लोग को देखने को मिलता है कि इतना इतना हुआ है यहाँ पर इंडिया, तो चलो लूट लो। ठीक है, या ऐसा टाइम है जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया सोने की चिड़िया थी, ये वो सोने की चिड़िया वाला टाइम है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो मुगल्स हैं, मुगल्स के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे लोग इतना अटैक करते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल सेंटर भी था, कमर्शियल सेंटर भी था, इकोनॉमिकली क्राफ्टमैनशिप हर तरीके का सेंटर था। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो इसलिए लोग जो है वो क्या करने लग गए, धीरे धीरे ट्रांसफर होने लग गए, मुर्शिदाबाद, पटना, फैजाबाद, लखनऊ, आसपास के एरियाज में ट्रैवल होने लग गए। इनफैक्ट आगरा, यहाँ भी वो लोग चले जाते थे। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स ही बात है, तो अभी भी इतना डिक्लाइन होने के बावजूद दिल्ली अभी भी एक बहुत नाम चलता है। ऑफ कोर्स ही बात है, आज भी आपको बहुत सारे मार्केट्स मिल जाएंगे, उस तरीके के नहीं मिलेंगे लेकिन मार्केट्स आपको मिल जाएंगे। और आपको देखने को मिलता है कि 1793 तक के, 1793 तक के काबुल के जो है फिर भी जो है कारवान आते थे, काबुल से जो है ना कश्मीर हॉर्सेस आते थे, शॉल आते थे, फ्रूट आते थे। ठीक है, और ये सब चीज़ें अभी भी आती थी और अभी भी जो है आपको देखने को मिल रहा है कि दिल्ली जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना हुआ था। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कि आगरा से शाहजहानाबाद जब मूव हुआ था बाय बाय दी मुगल एम्परर शाहजहां, तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स ही बात है कि साथ साथ वहां पर जो है कल्चरल एक्टिविटीज भी शुरू हो गई थी। अब आपको देखने को मिलता है मोहम्मद शाह जो है जिसने मोहम्मद शाह जो है किला है मुबारक, मतलब आज के टाइम का जो लाल किला है, उस उन्होंने जो है उसको पूरा सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज बना दी थी। ठीक है, मतलब वहाँ पर इतनी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी कि अब जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि एक मॉडर्न स्कॉलर बताते हैं कि मुगल कल्चर इतना ब्रिलियंट था कि मतलब कितना भी पॉलिटिकल टर्मोइल हो, कुछ भी डिप्रेशन हो, जो मतलब कल्चरल एक्टिविटीज है वो चलते ही जाती थी। ठीक है, म्यूजिकल आर्ट्स चलते आ रहे हैं, और मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि म्यूजिक जो है सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और सिंगिंग, ये लोगों का जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो है डांसिंग और सिंगिंग करने लग गए थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सूफी असेंबली, मैंने आपको ऊपर बताया था महफिल समा, उसके बाद मैंने आपको बताया था मुहर्रम में भी लोग गाना बजा रहे हैं, मरसिया खुआनी। ठीक है, और ऐसी आपको मैंने चीज़ें ऑलरेडी बता दी थी। तो इतने आर्टिस्ट जो है इस टाइम पर बढ़ने लग गए थे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये एक ऐसा टाइम था जब जो है जो जनरल मतलब जो म्यूजिकल जो ट्रेंड चला आ रहा था ना वो ख़त्म हो रहा था, और मतलब प्योर क्लासिकल म्यूजिक ख़त्म हो रहा था और अब अलग तरीके का म्यूजिक जो है बनते जा रहा था। मतलब अब जो है ना म्यूजिक म्यूजिक जो है ना कहीं एलिट स्टाइल का जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। अब लोग क्या करते हैं वो ना मतलब इधर रास्ते पे रोड पे म्यूजिक बजा रहे हैं, जैसे कि तराना, टप्पा, धुन, इस तरीके की म्यूजिक बज रही थी। और इसके अलावा हमको देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो है स्किल ख़त्म हो गई थी, बल्कि ऐसा था कि बहुत सारे पैटर्न्स थे जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं म्यूजिक को चेंज करने के पीछे लगे हुए थे, और उनका खुद का अलग अलग डिस्टिंक्ट टेस्ट और ट्रेडिशन था। ठीक है, तो मतलब हमको देखने को मिलता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं डिक्लाइन नहीं हुआ, हो सकता है कुछ चेंजेस आ गए। मतलब पहले जो है म्यूजिक थोड़ा अलग हुआ करता था, रॉयल दरबार में हुआ करता था, अब जो है म्यूजिक जो है रोड पे बज रहा है, अलग ही गानों का जो है स्ट्रक्चर। अब देखोगे आप 19th सेंचुरी का कोई गाना सुनिए, 20th सेंचुरी का सुनिए, 21st सेंचुरी का सुनिए, आपको डिफरेंस तो पता चल जाएगा ना। तो वैसे ही गानों के अंदर उस टाइम पे भी डिफरेंस आ रहा था। अब देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता हो रहा था, देखिए इतना जो गाना बज रहा है, आर्ट्स हो रहा है, लिटरेचर हो रहा है, ये फ्री में तो होगा नहीं, इसको जो है पेट्रोनेज मिलता रहता था, मतलब जो राजा है वो देता था, ऑफकोर्स सी बात है। बट जब अटैक हुआ ना नादिर शाह का, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि मुगल रूलर जो है उन्होंने जो है पेट्रोनेज देना बंद कर दिया था। दरगाह कुली खान बताते हैं, वो बताते हैं मुरक्का दिल्ली के बारे में लिखते हैं वो, कि जब इन्वेशन इन्वेजन हुआ तो उन्होंने जो है फिर क्या किया, ये सब तरीके का जो पहले वो दिया करते थे तो अब वो नहीं दे रहे थे, मतलब पेट्रोनेज नहीं दे रहे थे, क्योंकि इतना सारा सामान वो नादिर शाह चुरा के लेके चले गया कि अब जो है क्या कहते हैं एक तो डिक्लाइन भी हो गया था, ऊपर से क्या कहते हैं अब रॉयल मेजेस्टी का जो है कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। अब म्यूजिक जो है मेनली क्या डांसिंग गर्ल्स से रिलेटेड हो गया था। अब ये जो डांसिंग गर्ल्स थी ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब बताया जा रहा है कि वेल वॉश्ड थी, ये लोगों को सिखाया जाता था, ट्रेन किया जाता था। और मैंने कि आपको पहले बताया कि अलग अलग तरीके के जो डांस स्कूल्स उस टाइम पे खुल गए थे। दरगाह कुली खान बताते हैं कि बहुत सारे तरीके के डांसर्स थे जो मतलब बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से डांस करते थे, जैसे कि वो बताते हैं कि चमनी का बताते हैं, उसके बाद वो बताते हैं रहमान बाई,
उसके बाद वो बताते हैं कि कमल बाई, तो अलग अलग तरीके के बताने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ लोगों का नाम चलता था कि ये लोग कितना अच्छा डांस करते हैं, कितना अच्छा गाना गाते हैं, और ये लोग की बहुत रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में, और इस टाइम मतलब उन लोग की जो है रिस्पेक्ट होना शुरू हो गई थी, और महफिल में जो है इनको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनर्स को जो है फॉलो करते थे। तो हमको देखने को मिलता है कि म्यूजिकल जो असेंबलीज होती थी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस आती थी। आपको देखने को मिलता है कि दरगाह अली खान बताते हैं कि यहाँ पर सुबह से शुरुआत होती थी, और इनफैक्ट जो है क्या कहते हैं मतलब कुछ अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स वो लोग मनाने लग गए थे। तो फेस्टिवल बसंत में वो लोग क्या करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जाते थे, फिर अगले दिन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाते थे, ऐसा वो जो है काम करने लग गए थे। अलग अलग दिन अलग अलग जगह जाते थे, उसके बाद वो जो है बादशाह के पास जाते थे, 7th डे पे वो डांसर्स के पास जाते थे, और उसके बाद जो है आपको एक ग्रेव थी वो जिसका नाम ग्रेव, एक इंसान की ग्रेव थी अजीजी नादीपुरा, उसको पास जाते थे। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग रिचुअल्स निकालने लग गए थे उस टाइम पर, कव्वाल्स भी जो है आने लग जाते थे उस टाइम पर, कव्वाली जो है करने लग जाते थे। तो एक तरीके से हम देखते हैं ध्रुपद जो एक तरीके का आर्ट फॉर्म था वो डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया, बिकॉज ये हाई पिच था, और जो मतलब हाई पिच उसमें जो इस तरीके का हाई पिच टोनल एक्सप्रेशन आपको निकालने पड़ते थे, तो ये जो है बेसिकली अनट्रेंड इंसान को आएंगे नहीं, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। और जो द्रौपदिया, द्रौपदिया मतलब द्रौपद सिंगर्स को हम द्रौपदिया कहते थे, तो वो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी स्किल और नॉलेज जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन इसका जो स्टाइल है ना वो कहीं ना कहीं दूसरे टेक्निक के साथ मिलकर जो है आने लग गया। उसके बाद बताया जाता है आपको ख्याल गायकी, ख्याल गायकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म था इस पीरियड का। तो इनिशियली जो है ख्याल गायकी मतलब जो है एक तरीके का रीजनल म्यूजिक जोना था, और फिर धीरे धीरे शर्की कोर्ट 15th सेंचुरी के अंदर ये जो है मतलब जो देखिए कोई भी म्यूजिक होती है ना दो तरीके की होती है, एक जो रोड पे नाच गाना हो रहा है, एक जो होती है थोड़ी एलिट म्यूजिक होती है। तो धीरे धीरे ये एलिट म्यूजिक के रूप में जो है बदलने लग गई थी। अब देखिए वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि इसको नियामत खान सदारंग ने बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया था, और इसको जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो मोहम्मद शाह का जो कोट है उससे जो है उन्होंने अटैच कर दिया था। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे नायक जो थे, नायक एक तरीके का हाईएस्ट टाइटल था जो कि एक म्यूजिशियन को दिया जाता था जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, ठीक है। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं नियामत खान जो है वो क्या करता था, जितने भी जो ख्याल है उसको क्या कहते हैं उसको रिनोवेट किया, उसको नए नए तरीके के राग बनाए, रागिनी बनाए, और उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है एक नया तरीके का जो है ख्याल गायकी जो है वो डेवलप होने लग गया था। फिरोज खान अदारंग जो कि नेफ्यू था सतारंग का, आपको देखिए नाम इसमें याद करना पड़ेगा कौन सा आर्ट फॉर्म है, म्यूजिकल फॉर्म है, किसने बनाया, किस टाइम पे चलता था, कौन सा म्यूजिशियन था, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके के नए नए राग बनाए। मोहम्मद शाह ने जो है बहुत सारे तरीके के ख्याल भी बनाए, उनके पेन नेम था रंगीला पिया। तो जैसे कि पेन नेम अलग होता है ना आज के टाइम पे भी ऑथर्स का पेन नेम अलग होता है, तो वैसे उस टाइम पे पेन नेम अलग था और रंगीला पिया उनका नाम था, और उसमें बहुत सारे उन्होंने जो है राग जो है वो बनाए। और आपको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे बहुत सारे तरीके के ख्याल गायकी जो है वो डेवलप होने लग गए थे। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे म्यूजिशियंस भी जो है कहीं ना कहीं इसको बजाने लग गए थे। अब कविता या कवित या कवित जो है हम बोल सकते हैं इसके बारे में हम समझते हैं, तो ऑफकोर्स ये बातें आपने सुना ही होगा, रहीम सेन तानसेन के बारे में सुना होगा, सिंगर मियान तानसेन के बारे में आपने सुना होगा जो कि मुगल कोर्ट से अटैच थे। तो ये सब आपने सुना होगा कि कितना इनका जो है कविता ये लोग गाया करते थे। उमा बाई जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हमको पता है कि जो उमा बाई और असापुरा रामजनी है उनका जो है और ट्रेडिशनल जो स्टाइल है उसको जो है वो फॉलो करती थी, और बाद वाला जो स्टाइल है उसको हम कह सकते हैं इम्प्रोवाइज स्टाइल। तो दो तरीके के स्टाइल आप बता सकते हो। तो बाद के जो सिंगर्स आए थे वो थोड़े नॉर्मल वाला स्टाइल जो है वो फॉलो करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तराना। तो तराना जो है तराना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस टाइम पर, क्योंकि ये जो है तराना जो है थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया जाता था पॉपुलर म्यूजिक स्टाइल। दूसरी चीज़ इसका जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा कि ये भी जो है बढ़ने लग गया था उस टाइम पर। फिर जंगला, जंगला आपको देखने को मिलेगा एक और तरीके का म्यूजिकल स्टाइल है 18th सेंचुरी में। तो मतलब जंगला क्या था, बेसिकली इंडियन वर्जन था पर्शियन मूड का। पर्शियन में जो है जंगला बजाया जाता था जो कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की द्वारा जो है बनाया गया था, और बाद में जाकर जो है क्या कहते हैं जंगला जो है इंडिया में भी बजाने जाने लग गया। तो कुछ लोग बताते हैं कि जो जंगला है
ये एक फोक म्यूजिक जॉनर था और बाद में जाकर जो है एक कोटेशन डांस सॉन्ग बन गया। देखिए कुछ चीजें फोक म्यूजिक होती है, मतलब फोक म्यूजिक क्या, जो भेड़ चारे जो रहते हैं बहुत टाइम से, मतलब हंटर गैदरर्स आम लोग जो है सुनते रहते हैं, इसको हम कहते हैं फोक म्यूजिक, जो आम बोल चाल में चलता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कोर्ट म्यूजिक बन गया, ऐसा माना जाता है। तो अलग अलग लोगों का इंटरप्रिटेशन है। देखिए इस चैप्टर में जितने भी जो डांस फॉर्म है, म्यूजिक फॉर्म है, इसको आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब कव्वाली तो आपने सुना ही होगा, कव्वाली भी सुनी होगी। तो सूफी असेंबली में कव्वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वहाँ पर जो है कव्वाली बजाई जाती थी। जैसे कि शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी जो है, इन्होंने जो है शुरुआत की थी। आपको जो है थोड़ा थोड़ा नाम इनका याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो ये जो समा म्यूजिक है, धीरे धीरे इंडियनाइज होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो ने बहुत सारे तरीके के म्यूजिकल इनोवेशन किए थे, आपको पता है, जैसे कि कौल, तराना, तिल्लाना, सोहला, ये सब तरीके के जो है फॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय दी अमीर खुसरो। और आपको देखने को मिलता है कि 18th सेंचुरी में शाहजहानाबाद के टाइम पे भी जो है ये तरीके का जो है कव्वाली और कव्वाल जो है बहुत ज्यादा जो है फेमस होते जा रहे थे। उसके बाद मरसिया खुवानी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। मुहर्रम में जो है क्या कहते हैं लोग जो है दुख के माहौल में इसको बजाते थे, मरसिया खुवानी। और इसको जो है 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो है ये आर्ट के रूप में डेवलप हुआ है। अब हम समझेंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के बारे में। तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे चेंजेस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी हुए। वीणा जो बजाते थे वो कम हो गए, और जो है सितार की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई, सारंगी जो है वो बढ़ने लग गए। और साथ साथ हमको देखने को मिलता है कुछ नए इंस्ट्रूमेंट स्टाइल भी जो है इस टाइम पे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ध्रुपद सिंगर्स, बिंकर्स, ये सब भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है डेवलप हो गए। और देखिए आपको एक और चीज़ पता है कि सितार का जो है, सितार आपको पता है, सितार जो है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप हुआ वो सहतर से हुआ। सहतर एक तरीके का 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था, और तंबूर दोनों को मिलाकर जो है एक तरीके से डेवलप हुआ। तो ये सितार की टेक्निक जो है धीरे धीरे जो है लोगों में कॉमन होते जा रही थी। अलग अलग तरीके के, मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके के स्टाइल्स निकल रहे हैं, पुरानी स्टाइल से नया स्टाइल की तरफ चेंज हो रहा है, ठीक है। और हमको देखने को मिल रहा है इस टाइम पर लोगों को जो रिक्रूट करने की बात आ रही है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार रहता है, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो पोजीशन है कोर्ट में जाए नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को जो है क्या कहते हैं ये सब बीन और सितार और ये सब जो है ना सिखाने लग गए। और ये भी बताया जाता है कि इस टाइम पर हमको सिंगल एक भी तबला प्लेयर नहीं दिखता है, ठीक है। बाद में जाकर हमको पता चलता है कि जो ढोलक और धामधनी ये सब चीज़ें जो बजाई जाती है, तो बाद में जाकर हमको जब कथक अवध कोर्ट जब 19th सेंचुरी में हमको इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। दरगाह अली खान बताते हैं, दरगाह अली खान का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इसमें, तो आपको याद रखना है। दरगाह अली खान बताते हैं दैट जैसे कि इतना अच्छा बताते हैं, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे कि इनफैक्ट जानवर भी जो है क्या कहते हैं डांस करने लग जाए, मतलब ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं। तो हसन खान रबाबी, गुलाम मोहम्मद, सरंगी नवाज जो है, मतलब वो बताया जाता है कि कितने अच्छे के जो है क्या कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और ये सब चीजें जो है बताई जाती है बाय दी दरगाह अली खान। अब डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं, हमने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक डिस्कस किया, उसके बाद डांस फॉर्म की बात करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के नृत्य नृत्य आपको पता है डांस होते हैं, अलग अलग डांस टाइप्स होते थे, जैसे कि दुर्गही, दुर्गही जो है मतलब आपको पता है जो घुंघरू बांध के पहले लोग डांस करते थे, तो वैसे ही। उसके बाद कथक जो है, कथक हमको देखने को मिलता है डांस के अंदर। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो भी जो है आपको देखने को मिलते हैं कि इस टाइम पे फाउंड नहीं होते, जैसे कि तांडव, लस्या, चिंधू और सुधांग, ठीक है। और उसके अलावा उर्दू लिटरेरी वर्क में आपको एक नाच करके जो है एक वर्ड मिलता है, नाचने का जो वर्ड, नाच आप जिसको आप कहते हो, वो वर्ड आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है वो आप यूज किया जाता है बाय बागू बहार में, बागू बहार में मीर अमन दहलवी द्वारा। अब देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कॉमेडियंस और मिमिक आर्टिस्ट के अलावा भंडंस, भंडेती जैसे कि आज नहीं होते नकल करने वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, इस टाइम पे। और आपको देखने को मिलता है कि भंडेती अब बिना डांस और बिना म्यूजिक के जो है काम तो करेंगे नहीं, तो उसमें डांस भी हो, म्यूजिक भी है, मिमिक्री भी है, सब कुछ उसमें आ जाता है भंडेती जिसे हम कहते हैं। और थोड़े थोड़े जो है मूवमेंट्स, और ज्यादातर यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो थे मेल थे, ठीक है। और मुजरा, मुजरा आपने सुना होगा, इसमें 8 लोग रहते थे, ठीक है। और बेसिकली मुजरा आपको पता ही है क्या होता था, मुजरे में एक के तरीके का जो यंग परफॉर्मर है फीमेल ड्रेस पहनकर जो है डांस करते थे, और लोग जो है तालियां बजाया करते थे, ठीक है। तो जो डांसर्स डांस कर रहे हैं बीच में और बाकी लोग जो है इनकरेज कर रहे हैं, उसे हम कहते थे छुग्गा देना, ठीक है।
तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, आपको हंसी भी आ रही होगी, बट कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के टर्म्स यूज होते थे और आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। कुछ चीज़ें आपने सुनी होगी, देखी होगी, कुछ चीज़ें नहीं सुनी होगी। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा डिस्क्रिप्शन था, इसमें हमने म्यूजिक डिस्कस किया, डांस डिस्कस किया, आर्ट एंड कल्चर डिस्कस किया, क्राफ्टमैन डिस्कस किए, बाजार डिस्कस किया। ये हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी के अराउंड था। इसी के साथ हम आ गए हमारे कॉन्क्लूजन के ऊपर और फाइनली जो है हम इसे खत्म करेंगे और हम कहेंगे कि इस टाइम पर जो है आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा जो है पेट्रोनेज जो है दिया जा रहा था आर्ट एंड क्राफ्ट लिटरेचर और साथ साथ जो है डांस और म्यूजिक के फॉर्म को। लेकिन जब नादिर शाह का अटैक हो जाता है तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई थी। अब धीरे धीरे अब लोगों के पास पैसा ही नहीं था क्योंकि कितना सारी चीज़ें लेके चले गए थे नादिर शाह, जैसे कि आपको पता है कि क्या कहते हैं हमारा जो पीकॉक थ्रोन है और कोहिनूर डायमंड, बहुत कुछ जो है लेके चले गए थे। तो इसलिए जो है उस टाइम पे पूरी तरीके से पॉवर्टी पॉवर्टी तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इतना जो है मेन मेन चीज़ें ले जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का जो एफ्लुएंस है वो ख़त्म होते जा रहा था। और वैसे ही दरगाह कुली खान बताते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही थी। तो मतलब इस टाइम पर जो क्या कहते हैं अमीर लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। जैसे कि एक पोएम में बताते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद बताते हैं, 5 लाइन की पोएम है, वो बताते हैं कि जो इंडोलेंस और डिबॉचरी है मतलब नोबिलिटी जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है और जो छोटे लोग हैं वो कहीं ना कहीं यू नो पावर जो अपने हाथों में लेते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, यूनिट नंबर 4 फिनिश होता है। और इसमें जो है ज़्यादातर कुछ ज़्यादा था नहीं जानने के लिए, सिर्फ म्यूज़िक फॉर्म, डांस फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब चीज़ें थी। इसे हमने डिस्कस कर लिया है और आई होप आपको जो है पसंद आया हो वीडियो। ये हमारा लास्ट चैप्टर था जनरल इलेक्टिव दिल्ली थ्रू द एजेस का, जो ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ हमारा जो जनरल इलेक्टिव आपका जो सिलेबस है उसका फिनिश हो चुका है। अगर आप बीए पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो उसके ऑलरेडी जो है नोट्स अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसके नोट्स भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो चैप्टर है इसका पूरा कंप्लीट जो है नोट्स अपलोड हो जाएंगे। और एक जो है अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो जितने भी डीएससी से आपके उसके जितने भी नोट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं एंड एज वेल एज जो भी तरीके के आपके जो है प्लेलिस्ट है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, फिर से नई शुरुआत करेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।